हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स फर्स्ट पेपर। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेगा। ये सभी कुछ हम पहले पढ़ा चुके हैं आप लोग के लिए, यूनिट सेकंड पर आ चुके हैं। यूनिट फर्स्ट के हम तीन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम करवा चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, जो ओल्ड वीडियोस थी उसमें सिलेबस हमने कंप्लीट करवा दिया था, अब ये न्यू वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, रैखिक रूपांतरण क्या कहलाता है सबसे पहले ये देखते हैं। तो रैखिक रूपांतरण, पहले रैखिक रूपांतरण की यहाँ डेफिनेशन पता करेंगे, फिर इसके बाद अपन इसके बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रैखिक रूपांतरण लीनियर लाइनर्स ट्रांसफॉर्मेशन। माना यू एफ व वी एफ दो सदिश समष्टियां हैं तथा एफ यू भी एक प्रतिचित्रण है। ये आप लोग प्रतिचित्रण कहलाता है, अगर एफ यू भी के रूप में कुछ भी दिया तो वो प्रतिचित्रण है एक अपन का। ठीक है, एक प्रतिचित्रण है तब F को रैखिक रूपांतरण कहेंगे। जो ये F है इसे रैखिक रूपांतरण कब कहेंगे, जब F ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, को अपन लिख सकते हैं F ऑफ अल्फा प्लस F ऑफ बीटा, तथा F ऑफ A अल्फा को लिख सकते हैं अपन A इंटू F ऑफ अल्फा। यानी कि रैखिक रूपांतरण में अपन की ये तीन कंडीशन होनी चाहिए, दो अपन की सदिश समष्टियां होंगी, ठीक है, और एक प्रतिचित्रण दिया होगा। प्रतिचित्रण किस प्रकार से, एफ यू भी ये प्रतिचित्रण दिया हुआ होगा आप लोग के लिए क्वेश्चन में। फिर अपन को सिद्ध करना होगा कि एफ रैखिक रूपांतरण है, या तो ये कंडीशन लागू होनी चाहिए। रैखिक रूपांतरण में अपन की थर्ड वाली जो कंडीशन होती है ये प्रूव करते हैं अपन, ठीक है, कि ये रैखिक रूपांतरण है या नहीं। यानी इसके बराबर अपन ये सिद्ध कर देते हैं तो अपन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यानी जैसे एफ ऑफ ए अल्फा को अपन क्या ले सकते हैं, ए इंटू एफ ऑफ अल्फा, इसी प्रकार एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा हो जाएगा। अपन को ये कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि इसी कंडीशन से अपन सिद्ध करेंगे कि जो क्वेश्चन में अपन को बोलेंगे कि एफ रैखिक रूपांतरण है या नहीं। इसके क्वेश्चन जो आएंगे इसमें अपन को एक प्रतिचित्रण दे दिया जाएगा और अपन को सिद्ध करना होगा कि एफ रैखिक रूपांतरण है। तो अब अपन क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अगर रैखिक रूपांतरण की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लोग इतना लिख सकते हो रैखिक रूपांतरण में, दो नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पांचों यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, दो नंबर का आता है और एक पांच नंबर का क्वेश्चन भी आता है, और हर यूनिट से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ये कंडीशन आप लोग याद कर लीजिएगा। ये है अपन का क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूनिट सेकंड का है। ठीक है, चैप्टर फोर है अपना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एफ ऑफ भी थ्री एफ भी टू एफ इस प्रकार है कि देखो ये क्या अपन का प्रतिचित्रण है, ठीक है, भी थ्री एफ यानी इसमें तीन अपन को तीन अवयव लेके चलना पड़ेगा भी थ्री एफ, और इज इक्वल टू अपन को भी टू यानी कि टू अवयव। ठीक है, इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड, तो दिखाइए कि एफ रैखिक रूपांतरण है। अब देखो f रैखिक रूपांतरण है, ये अपन को सिद्ध करना है, यानी अपन ये समझ गए कि ये रैखिक रूपांतरण के बेस्ड क्वेश्चन है अपन का, और अपन को ये कंडीशन यहाँ पे प्रूव करनी। सबसे पहले अपन को जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है अपन को, एक प्रतिचित्रण दिया है f ऑफ भी थ्री एफ इज इक्वल टू वी टू एफ, ये अपन को प्रतिचित्रण दिया हुआ है। इसका अर्थ ये है, इस प्रकार है कि सच दैट का मीन्स यहाँ पे इस प्रकार है कि, यानी कि जो f ऑफ भी थ्री एफ इज इक्वल टू भी टू एफ है, जो वो इस प्रकार दिया हुआ है कि f ऑफ x y z, देखो तीन चीजें आ रही क्योंकि भी थ्री एफ है, ठीक है, x y z इज इक्वल टू, अपन को सिद्ध करना दो अवयव भी टू एफ यानी बाई z, ठीक है, ये अपन को यहाँ पे दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, f रैखिक रूपांतरण है, तो सिद्धे के लिए अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर चीज अगर क्वेश्चन में आप लोग के लिए दिया है और सिद्ध करना है तो आप लोग सबसे पहले तो दिया है लिख ही लीजिएगा, और सिद्ध जो करना है वो भी लिख लीजिएगा। सिद्ध क्या करना है कि f क्या अपन का रैखिक रूपांतरण है, यानी कि कौन सी कंडीशन प्रूव करनी है अपन को, f ऑफ a अल्फा। हमेशा अगर आप लोग के लिए रैखिक रूपांतरण के क्वेश्चन पूछे जा रहे तो अपन को यही कंडीशन सिद्ध करनी है, a अल्फा b बीटा इज इक्वल टू होता है अपन का a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा। ठीक है, ये यहाँ पे अपन सिद्ध करेंगे, तो अपन ये लेके चलेंगे और ये बराबर में सिद्ध कर देंगे। अब अपन यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे अपन दो अवयव लेके चल रहे हैं, यदि
अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा दो लेके चल रहा है। अब ये बिलोंग करेंगे अपन के सदिश समष्टि में V3F में, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं V3F यानी थ्री, तीन चीजें चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखो अल्फा के लिए अपन ले सकते हैं अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, तथा बीटा के लिए इसी प्रकार ले लेते हैं बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री ले लेते हैं ठीक है। अब अपन को जो चीज सिद्ध करनी थी वो लिख लेते हैं। क्या करना था, LHS लेके चलते हैं F ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा, इसका अर्थ ये है अपन अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं F ऑफ A, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, अल्फा के स्थान पे क्या ले सकते हैं अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री प्लस B, बीटा के स्थान पे भी बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री ले लेते हैं ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो एकांदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ ऑफ ए अल्फा वन, ए अल्फा टू हो जाएगा, यहाँ पे ए अल्फा थ्री हो जाएगा ठीक है, प्लस यहाँ पे बी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी बीटा वन, बी बीटा टू, बी बीटा थ्री ठीक है, ये हो गया। और मैं जी जो दिया हुआ है सबसे पहले वहां पे अपन को एक इक्वेशन दे देते हैं क्योंकि वो अपन को बाद में काम में आएगी। देखो जो यहाँ पे दिया हुआ सच दैट इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट दे दो ठीक है, क्योंकि ये बाद में अपन को काम, क्योंकि अपन एफ ऑफ एक्स बाई जेड को बाई जेड लिख सकते हैं, इसका अर्थ ये है। इतना होने के बाद अब इसको अपन अलग अलग कैसे लिखते हैं, ये देखो एफ तो अपन का भी बाहर ही चलेगा, इसको अपन ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन लिख सकते हैं ठीक है, लिख लेते हैं ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन, क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो अपन एक ब्रैकेट, आप ए अल्फा टू को भी लिख सकते हैं, ए अल्फा टू को के साथ प्लस बी बीटा टू हो जाएगा ठीक है, तथा ए अल्फा थ्री प्लस बी बीटा थ्री। अब ये क्या बन गया अपन का एफ ऑफ एक्स वाई जेड बन गया कि नहीं, तो समीकरण एक से अपन, समीकरण एक से एफ ऑफ एक्स वाई जेड को अपन क्या लिख सकते हैं y z ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो जो f ऑफ x by z है ये x की वैल्यू है y की है z की, तो f ऑफ x by z को अपन क्या लिख सकते हैं y z, तो y z की वैल्यू क्या अपन की a अल्फा 2 प्लस b बीटा 2 और z की वैल्यू a अल्फा 3 प्लस b बीटा 3 ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे अपन f ऑफ x by z को y z लिख दिया। अब देखो a अल्फा 2 a अल्फा 3 अब इनको साथ में लिख लेते हैं, अभी प्लस में है अब इनके बीच में क्या करने से आ जाएगा कॉमा का, तो a अल्फा 2 ए अल्फा थ्री आ जाएगा प्लस, अब प्लस आ जाएगा बीच में ठीक है, और बी बीटा टू प्लस बी बीटा थ्री, प्लस नहीं आएगा क्योंकि अपन ने अलग अलग लिख लिया ना, अगर देखो यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ तो अपन यहाँ पे डॉट लगा के यानी कि अल्प विराम का निशान लगा के अपन लिख सकते हैं। देखो और यहाँ पे क्या किया था प्लस बीच में लगा हुआ था लेकिन फिर अपन ने यहाँ पे इस प्रकार से अलग अलग लिख लिया था ठीक है, ए अल्फा टू प्लस ए अल्फा थ्री, थोड़ी मिस्टेक हो रही है सॉरी उसके लिए, यहाँ पे आवाज आ रही। देखो अब एक चीज अच्छे से समझिएगा, जब यहाँ पे प्लस लगा हुआ और इसके साथ अपन इसको यानी कि देखो यहाँ पे जब अपन का अल्पविराम लगा हुआ था फिर अपन ने प्लस प्लस बीच में था तो फिर बीच में प्लस लगा के और ब्रैकेट में अपन ने यहाँ पे अल्पविराम लगा दिया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया बीच में अल्पविराम था तो अब अपन ने बीच में अल्पविराम था तो बीच में आप प्लस लगा दिया और जो प्लस बीच में था यानी कि इन दोनों के बीच में वहां पे अल्पविराम, क्योंकि ए अल्फा टू के साथ ए अल्फा थ्री लिख दिया, यहाँ पे बी बीटा टू के साथ बी बीटा थ्री लिख दिया ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन का ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लेते, क्या बचेगा अपना ए अल्फा अल्फा टू अल्फा थ्री बचेगा, और यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है तो बी बीटा टू बचेगा अंदर और बीटा थ्री बचेगा ठीक है। अब देखो समीकरण एक से पुनः अपन क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण एक से क्या दिया था अपन को f ऑफ x y z को अपन क्या लिख सकते हैं y z लिख सकते हैं, यानी कि अब ये y और z दिया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं f ऑफ x by z लिख सकते हैं ठीक है, तो यानी y z दिया है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं a f ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस b, यहाँ पे बीटा टू by z दिया है तो यहाँ पे x by z यानी बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, तो ये हो गया अपन का a और ये हो गया अपन का f ऑफ अल्फा प्लस b, ये हो गया अपन का f ऑफ बीटा,
और यही अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अपन का ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा प्रूव्ड दैट। अतः एफ एक रैखिक रूपांतरण है। इसी प्रकार अपन को और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसमें केवल अपन को ये कंडीशन याद रखनी, ये सिद्ध करना, और जो अपन को दिया हुआ होता है मेन चीज वहां पे सिद्ध करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया था, अगर यहाँ पे 2 दे दिया जाए और यहाँ पे 3 दे दिया जाए, तो 2 अभी हम ले, यहाँ पे अपन 2 के लिए करेंगे और जो मतलब बराबर में सिद्ध करेंगे वो 3 के लिए सिद्ध करेंगे। मेन चीज यही यहाँ पे सिद्ध करनी है। रैखिक रूपांतरण में अपन को 2 सदिश समष्टियां रहती हैं और एक प्रतिचित्रण रहता है। प्रतिचित्रण के आधार पर ही ये अपन को सिद्ध करना होता है कि रैखिक रूपांतरण है या नहीं। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन अपन को सिर्फ ये याद रखनी है कि अपन को ये कैसे सिद्ध करना है। बीएससी थर्ड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट, और हमने थर्ड ईयर के केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में सभी कुछ आप लोग के लिए मिल जाएगा। आप लोग के कहने पर ही हम ये दोबारा वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि उसमें डाउट क्लियर नहीं हुए हैं ज़्यादातर लोगों के, इसीलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।